नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अर्थशास्त्र विषय में आज का व्याख्यान है आगम या संप्राप्ति की अवधारणा, मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। तो इसे साधारण भाषा में आय भी बोला जाता है, तो आइए हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा आगम या संप्राप्ति की अवधारणाएं समझना। ये अवधारणाएं जो हैं, ये हैं कुलागम, औसतागम और सीमांतागम। इसके बाद हम समझेंगे कि इन सभी अवधारणाओं में आपस में क्या संबंध है और विभिन्न तरह के बाजारों में पाए जाने वाले आगम अर्थात आय या संप्राप्ति वक्रों का हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आगम से अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो आय प्राप्त होती है उसे ही फर्म की आगम कहा जाता है। सिंपल शब्दों में ये जो आगम शब्द है इसको हम बोलते हैं इनकम या आय, और इकोनॉमिक्स की भाषा में मीन्स अर्थशास्त्र की भाषा में इसको बोला जाता है रेवेन्यू। तो अपनी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की बिक्री करने से फर्म को जो प्राप्तियां होती हैं उसे ही हम फर्म की आगम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहली अवधारणा है कुल आगम मीन्स टोटल रेवेन्यू। तो एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो भी धन अर्जित होता है उसे कुल आगम कहा जाता है। तो मीन्स कुल आगम क्या हो गई, ये एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि प्राप्तियों या आगम का जोड़ है। हम इसका एक सिंपल फॉर्मूला कर सकते हैं कि कुल आगम जो होती है वो बराबर में होती है मात्रा गुना में कीमत, मीन्स टोटल रेवेन्यू इक्वल्स पी इंटू क्यू। पी प्राइस है यहाँ पर और क्यू क्वांटिटी है। मीन्स अगर जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि एक फर्म जो है वो 5 इकाइयां बेचती है, 5 क्या हो गई क्वांटिटी क्यू हो गया, और वस्तु की प्रति इकाई कीमत है 10 रुपए। तो 10 × 5 जो 50 रुपीज है फर्म ने अर्जित किए वो उसकी कुल आय है। इसको हम क्या बोल देते हैं, यही हमारा क्या है TR टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट अवधारणा है औसत आगम या औसत संप्राप्ति मीन्स एवरेज रेवेन्यू। तो उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आगम को ही औसत आगम कहा जाता है। तो इसे हम प्रति इकाई कीमत भी कहते हैं। तो औसत आगम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कुल आगम को बेची गई मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास औसत आगम आ जाएगी जिसको हम AR भी बोलते हैं। तो AR इक्वल्स TR बाय Q। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो फर्म है उसने 5 इकाइयां सेल की हैं और उसने कितना अर्जित किया, उसने 50 रुपीज अर्जित किए थे। तो 50 by 5 = 10, जो 10 रुपीज है ये 10 रुपीज क्या है, ये वस्तु की कीमत भी है और इसी को ही हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ बताया कि जो प्रति इकाई आगम होती है उसको कीमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, MR भी कहते हैं इसको, मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक अर्थात अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आ जाता है उसे ही सीमांत आगम कहा जाता है। तो सीमांत आगम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, MR इक्वल्स चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। मीन्स कुल आगम में परिवर्तन को बेची गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से यदि भाग दे दिया जाता है तो सीमांत आगम हमारे पास आ जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला है TRN - TRN - 1। जैसे कि अगर फर्म ने अपनी 10 इकाइयां बेची हैं तो 10 इकाइयां बेचकर फर्म ने अर्जित किए 50 रुपीज, और अगर वो 11th इकाई सेल करती है तो फर्म को मिलते हैं 55 रुपए, फर्म ने 55 रुपए अर्न कर लिए। तो इन दोनों को मीन्स अगर MR हमें इस 11th इकाई की कैलकुलेट करनी है तो इसकी TR हमारे पास क्या है, ये हो जाएगी TRN और ये हो जाएगी TRN - 1। तो 55 - 50 ये 5 जो है ये हमारे पास MR आ जाएगा। तो अभी तक हमने आगम क्या है, कुल आय किसे कहते हैं, औसत आगम क्या है, सीमांत आगम क्या है, इसके बारे में पढ़ा और हमने इसके फॉर्मूलाज के बारे में भी अध्ययन किया। और अब हम करेंगे कि इनको वक्र के रूप में कैसे दर्शाया जा सकता है और ये जो विभिन्न अवधारणाएं हैं इनमें आपस में कैसा संबंध है, इसको हम विस्तृत तौर पर तालिका और डायग्राम की मदद से अब करेंगे। अब नेक्स्ट हम समझेंगे
कि इन सब अवधारणाओं में आपस में क्या संबंध है। जैसे कि MR किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री से TR में होने वाली वृद्धि को दर्शाती है। दूसरा क्या है कि यदि कीमत स्थिर रहती है, मींस कीमत मींस AR, तो उस स्थिति में MR भी क्या रहेगी, MR भी स्थिर रहेगी। मींस यदि मैं कह रही हूँ कि AR मींस कीमत जो है वो क्या है 5 रुपीज है, तो उस स्थिति में MR भी 5 रहेगी। अगर ये ओवरऑल 5 रहती है, मींस एक इकाई पर भी 5 है, 2 पर भी, 3 पर भी 5 है, तो इसके स्थिर रहने की स्थिति में MR भी ओवरऑल स्थिर रहती है। थर्ड है, MR स्थिर होने से अभिप्राय क्या है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने से TR में स्थिर वृद्धि होगी, मींस कुल आय भी क्या होगी वो भी समान दर से बढ़ेगी। तो ये जो केस होता है, ये एक्चुअल में ये वाले जो हमने 3 संबंध किए हैं, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार होता है जिसमें की कीमत स्थिर रहती है, तो उस स्थिति में कीमत के स्थिर रहने की वजह से MR भी AR के बराबर रहता है, और जो कुल आय होती है उसमें स्थिर दर से वृद्धि होती है। उन्हीं महत्वपूर्ण संबंधों को अब हम इस तालिका के द्वारा करेंगे। तो इस तालिका में क्या दर्शाया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो सबसे पहले कॉलम में आपको दर्शाई गई हैं उत्पादन की इकाइयां, जो कि 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। और क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, तो इस बाजार में क्या होता है कि जो औसत आगम है, मींस जो AR जिसको हम प्राइस भी बोलते हैं, ये क्या है 10 है ओवरऑल। मींस पहली इकाई पर भी 10, मींस दूसरी इकाई भी 10 रुपए पर बेची गई, तीसरी भी 10 रुपए पर बेची गई, इसी तरह से बाकी इकाइयों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो MR होगा वो क्या होगा, वो भी 10 होगा। जो अभी हमने पॉइंट्स किए थे उसी के आधार पर ये जो MR है ये भी AR के बराबर रहेगी। और कुल आगम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कुल आगम का हमने फॉर्मूला किया था, अगर हम P into Q कर दें, तो ये Q है हमारे पास और ये P है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल आगम। तो 10 into 1 10 आ गया, 10 into 2 20 आ गया, 10 into 3 30। तो इस तरह से ये जो टोटल रेवेन्यू है उसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और इस टेबल के बेसिस पर अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें सीमांत आगम को, तो वो भी कर सकते हैं। TRN-TRN-1 ये फॉर्मूला हमने अभी किया था, तो इस फॉर्मूला के आधार पर पहली इकाई की सीमांत आगम 10 रहेगी, क्योंकि पहली से क्या होगा, उससे पहले तो 0 ही हो सकता है क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। और फिर 20-10 10 आ गया, 30-20 10 आ गया, तो ओवरऑल ये भी 10 आ जाएगा। तो मीन्स जब AR कॉन्स्टेंट होती है, स्थिर रहती है, तो MR उसके बराबर होती है, और MR के कॉन्स्टेंट होने पर, स्थिर वैल्यू होने पर इसकी कुल आगम में भी स्थिर दर से वृद्धि होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कीमत होती है वो स्थिर रहती है, जैसे अभी हमने 10 अगर इसको ले रहे हैं तो ये ओवरऑल 10 ही रहेगी। P मतलब AR भी बोलते हैं इसको, तो इस डायग्राम में यही शो किया गया, जैसे OX एक्सिस पर आउटपुट है, OY एक्सिस पर रेवेन्यू लिया हुआ है, और ये जो वक्र है जो X एक्सिस के समानांतर है, ये औसत आय और सीमांत आय वक्र है। ये वक्र क्या दर्शा रहा है कि यदि उद्योग ने कीमत 10 निर्धारित की है, प्रति इकाई कीमत 10 है, तो ओवरऑल वो 10 ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे एक इकाई की सेल हो, दूसरी की हो, तीसरी को, ये ओवरऑल सेम रहेगा। तो इस वजह से जो औसत आय और सीमांत आय वक्र है वो OX एक्सिस के समानांतर रहेगा। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इस वजह से जो कुल आय है, टोटल रेवेन्यू है, उसमें स्थिर दर से वृद्धि होती है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व है। और ये क्या शो कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन वक्र है, ये शो कर रहा है कि इसमें हर लेवल पर स्थिर दर से परिवर्तन आ रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आय और सीमांत आय एक्स एक्सिस के समानांतर होगा, और कुल आय वक्र स्थिर दर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या समझ रहे हैं कि क्या सीमांत आय शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जब हमारी MR 0 या नेगेटिव हो जाए। वो कब हो सकती है कि यदि एकाधिकार बाजार है या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है, तो उस स्थिति में MR ऋणात्मक हो सकती है।
क्यों? क्योंकि यदि वस्तु की कीमत कम हो रही हो, कीमत स्थिर न होकर कीमत कम हो रही है, तो उस स्थिति में एमआर में परिवर्तन आ सकता है। ये शून्य भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। अभी हम इसको डायग्राम से भी करेंगे। जब एमआर शून्य होती है तो टी आर बढ़ना बंद हो जाती है। इसलिए एमआर जीरो होने का मतलब क्या है कि टी आर क्या है, अधिकतम है। इसी तरह यदि एमआर ऋणात्मक हो जाती है तो उसका अभिप्राय क्या होगा, टी आर कम होना शुरू हो गया है। यदि एमआर घट रही होती है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बिक्री के फलस्वरूप टी आर में पहले से कम वृद्धि होती है, अर्थात टी आर घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एम आर टी आर में होने वाले परिवर्तन को मापती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये सब हमें टी आर और एम आर में आपस में संबंध क्या है उसको भी दर्शाते हैं। अब आपके सामने ये रेखा चित्र बना हुआ है। ये रेखा चित्र टी आर और एम आर में आपस में कैसा संबंध होता है उसको क्लियर करेगा। और यहाँ क्या है, इस समय जो औसत आय है वो नीचे की तरफ गिर रही है, इसलिए इसका ढलान कैसा है, ऋणात्मक। और जब औसत आय गिरती है, मीन जब कीमत गिर रही होती है, तो औसत आय के गिरने की कारण ही एम आर हमेशा उससे कम रहता है। इसलिए एम आर वक्र आप देख रहे हैं, एम आर वक्र ए आर वक्र से नीचे है। एम आर वक्र को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। इसको जैसे हम नेम दे देते हैं, ए पॉइंट है ये, और ये जो है एम पॉइंट नजर आ रहा आपको, और ये है एम के बाद वाला पोर्शन। तो जब तक सीमांत आय गिर रही है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अक्ष में ही है, तो उस स्थिति में क्या है, कुल आय बढ़ती रहेगी। टोटल रेवेन्यू वक्र है और पिछले वक्र की तरह ही हमने यहां पर भी ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट लिया है और ओ वाई एक्सिस पर रेवेन्यू लिया हुआ है। तो जब तक सीमांत आय पॉजिटिव है वैल्यूज की, तो उस स्थिति में कुल आय बढ़ती रहेगी। जब सीमांत आय शून्य हो गई, इस एम पॉइंट पर सीमांत आय शून्य हो चुकी है, शून्य होने की स्थिति में जो कुल आय है वो अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, जैसा इस पॉइंट से नजर आ रहा है, बी पॉइंट से। तो इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर कुल आय अधिकतम तक पहुंच चुकी है। अब इस पॉइंट के बाद सीमांत आय नेगेटिव हो गई, ऋणात्मक हो गई इसकी वैल्यू, जैसे कि आपको बताई गई है। तो ऋणात्मक होने की स्थिति में क्या होगा कि कुल आय जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। ये तीन संबंध होते हैं एम आर में और टी आर में। और टी आर को हम औसत आय के आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें औसत आय दी हुई हो, ए आर गिवन हो, तो हम कुल आय को किस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए आर इंटू क्यू, या इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू, जो हमने अभी किया था। और यदि हमें एम आर गिवन हो तो उस स्थिति में भी टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला होता है समीशन एम आर। तो कुल आय को औसत आय और सीमांत आय दोनों के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एम आर और टी आर में संबंध था, और ए आर और एम आर में संबंध यही है कि यदि ए आर गिरता है तो एम आर भी गिरता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि जो कुल आय है वो जीरो हो गई, और ये पॉइंट शो कर रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू है, मींस जो कीमत है ए आर या पी, वो जीरो हो गई। और ये जो है, ये एक तरह से व्यवहारिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु के लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत तो पे करनी पड़ती है, ए आर कभी भी जीरो नहीं होता है, और इसी वजह से कुल आय भी जो है वो जीरो नहीं होता है। इसलिए ये दोनों वक्र, ये टी आर वक्र और ये ए आर वक्र कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। आगम की अवधारणा विषय के अंतर्गत अब हमारा अगला उप विषय रहेगा विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम वक्रों की शेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरह के बाजार पाए जाते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो अब हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इन सभी बाजारों में कुल आय, औसत आय और सीमांत आय वक्र जो हैं, उनकी शेप कैसी होती है और उस शेप के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे।
विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम या संप्राप्ति वक्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो बाजार है वो है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में जो आगम वक्र होते हैं उनका जो शेप होता है उसके बारे में हम अब कर रहे हैं। तो ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है एक्चुअल में बाजार का वह रूप है जिसमें फर्म केवल बाजार कीमत पर ही अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है और जो वस्तु की कीमत होती है उसका निर्धारण उद्योग करता है, फर्म उसको किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो इस बाजार में फर्म क्या होती है, फर्म कीमत स्वीकारक होती है और हर फर्म की वस्तु समरूप होती है, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो आगम वक्र है वो भी नेचुरली ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्योंकि कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है तो इस वजह से ये जो औसत आय वक्र है वो ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। इस चीज का हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो यदि ए आर कॉन्स्टेंट होती है तो एम आर और ए आर वक्र सेम रहते हैं, जैसा कि इस वक्र के द्वारा दर्शाया गया है। इस वक्र को हम नेम दे सकते हैं, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी। तो ए बी क्या है, ये औसत आय और सीमांत आय मीन्स ए आर और एम आर वक्र है। और क्योंकि हम टी आर को ए आर और एम आर दोनों के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यदि एम आर के बेस पे हमने इसको कैलकुलेट करना है और जो फर्म है उसने अपनी इतनी इकाइयां सेल कर दी हैं, इसको जैसे नेम दे देते हैं ओ एक्स वन और ये भी ओ एक्स वन और ये पॉइंट ए वन हो गया। तो ये फोर पॉइंट्स हो गए, मीन्स फर्म कितनी इकाइयां बेच रही है, फर्म ओ एक्स वन इकाइयां बेच रही है। तो एम आर वक्र के नीचे का ये जो हिस्सा है ये सारा का सारा पोर्शन टोटल रेवेन्यू को ही दर्शाता है। तो इस स्थिति में टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा ओ एक्स वन ए वन ए, ये सारा पोर्शन टोटल रेवेन्यू को शो करता है। और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दी हुई कीमत पर, जैसे कि यहाँ ये दी हुई कीमत ओ ए है, इस कीमत पर कितनी भी मात्रा अपनी मर्जी से बेच सकती है। तो इस वजह से इस वक्र की जो शेप है वो कैसे हो जाएगी, ओ एक्स एक्सिस के समानांतर होने के साथ साथ हम इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार वक्र। नेक्स्ट तरह का बाजार है एकाधिकार। तो एकाधिकार बाजार की स्थिति है ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार, एक का अधिकार, इसके नेम में ही ये शो हो रहा है कि जहां पर एक ही विक्रेता होता है उस बाजार को हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। और यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा का विक्रय करना चाहता है तो उसे कीमत को कम करना पड़ेगा, और यदि वह वस्तु की अधिक कीमत लेना चाहता है तो वह ज्यादा इकाइयां नहीं बेच पाएगा। तो एकाधिकारी के सामने ये सिचुएशन रहेगी। अब मैंने आपके सामने एक तालिका बनाई है। इस तालिका में पहले कॉलम में है उत्पादन की इकाइयां जिसको हम क्यू भी बोलते हैं, और ये है औसत आगम मीन्स ए आर या जिसको प्राइस बोलते हैं, और ये शो किया हुआ है कुल आगम मीन्स टी आर, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है सीमांत आगम मीन्स एम आर। तो एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है कि उत्पादन की ज्यादा इकाइयां जैसे जैसे बेच रहा है उत्पादक वैसे वैसे क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। तो हम सिंपल सी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि जैसे जैसे इकाइयां ज्यादा बिकनी शुरू होती हैं वैसे वैसे वस्तु की कीमत क्या है, कम की जानी पड़ेगी। एक अधिकारी को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में औसत आय या कीमत जो है पहली इकाई की है 10 रुपए, दूसरी की है 9 रुपए, तीसरी बेची जाएगी 8 रुपए पर, चौथी इकाई बेची जाएगी 7 रुपीज पर, और फिफ्थ जो यूनिट है वो बेची जाएगी 6 रुपए पर। तो यदि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं Q और P तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुल आय आ जाएगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 × 1 10 आ गया, 9 × 2 18 आ गया, 8 × 3 24, इस तरह से हम सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। और ये वैल्यू आने के बाद हम एम आर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है। तो
तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूं, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है फर्स्ट इकाई से हो रही है, वन लिखा हुआ है यहाँ, वन से पहले जीरो होगा क्योंकि ये सारी लगातार वैल्यूज चल रही हैं। तो इसका जो फर्स्ट इकाई है इसका टीआर 10 है, तो यहां पर एमआर भी 10 रहेगा। और दूसरी इकाई पर कुल आय 18 है, तो 18 में से 10 माइनस होकर 8 दूसरी इकाई के एमआर हो गई, ऐसे इसमें से माइनस होकर ये एमआर आ जाएगा, इसी तरह इसमें से ये माइनस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एमआर आ गई। अब ये क्या शो कर रही है, ये एकाधिकार की स्थिति में जो आगम वक्र है उनके बिहेवियर को शो कर रही है, उनके व्यवहार को शो कर रही है कि जैसे जैसे कीमत गिर रही है ये ज्यादा इकाइयां कैसे बेची जाएंगी, कम कीमत होने पर ही बेची जा सकेंगी। तो कीमत गिरने का मतलब एआर गिर रहा है, एआर गिरने की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर एमआर भी कम होगा और एआर से एमआर की वैल्यूज कम होती चली जा रही है। और कुल आय कैसी है, कुल आय बढ़ रही है, राइज हो रही है, तो इसी को हम अब डायग्राम से करेंगे। तो तालिका में दर्शाया था कि औसत आय गिर रही है, तो इससे जैसे ये जो वक्र है यहां पर ये भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ बनेगा, और एम आर की वैल्यू ए आर से कम थी, तो इस वजह से एम आर वक्र उससे नीचे एग्जिस्ट करेगा। और कुल आय को हम इस डायग्राम में इन दोनों के आधार पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि फर्म ने इतनी इकाइयां बेची हैं, तो इस पॉइंट को यहां ज्वाइन कर देते हैं और इसको नेम दे देते हैं ओ ए बी और ये पॉइंट सी, तो ये जितना एम आर के नीचे का पोर्शन है ये सारा ये किसको दिखा रहा है, ये कुल आय को ही दर्शा रहा है। टी आर यहां पर कितना हो जाएगा ओ ए बी सी, तो ये सारा क्या है टोटल रेवेन्यू हो जाएगा एकाधिकारी की बाजार की स्थिति में। नेक्स्ट है थर्ड तरह की जो मार्केट होती है वो है एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो इस बाजार की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें किसी भी वस्तु के बहुत से विक्रेता विक्रेता होते हैं, लेकिन हर एक विक्रेता की द्वारा बेची जाने वाली वस्तु दूसरे की तुलना में कुछ हद तक विभिन्न होती है, कुछ अंतर पाया जाता है उसमें, विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो विभिन्नता रंग की हो, पैकिंग की हो, टेस्ट की हो, कलर की हो, तो कुछ ना कुछ हद तक विभिन्नता जरूर पाई जाएगी। और इस बाजार के जो आगम वक्र होंगे वो एकाधिकार बाजार की तुलना में ज्यादा लोचदार होंगे, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में भी औसत आय वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है और इस बाजार में भी औसत आय वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा, क्योंकि इस मार्केट में भी वही है कि यदि ज्यादा अमाउंट बेचनी है, ज्यादा मात्रा को बेचा जाना है, ज्यादा इकाइयां फर्म बेचना चाहती है, तो उस स्थिति में उसको कीमत को नीचे करना ही पड़ेगा। तो इस बाजार में भी एकाधिकार बाजार की तरह ही हमने वक्र दर्शाए हैं, ये औसत आय वक्र है और ये सीमांत आय वक्र है, क्योंकि कीमत कम होने पर ही ज्यादा मात्रा को बेचा जा सकता है, तो इस वजह से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। तो इस स्थिति में एम आर इससे हमेशा नीचे ही एग्जिस्ट करेगा। और जो फर्म है, यदि फर्म अपनी ओ ए इकाइयों को बेचती है, तो इस पॉइंट को हम इस वक्र से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट को भी नेम दे सकते हैं हम, हमने ए वन इसको नेम दे दिया और ये है हमारा बी पॉइंट। तो यदि इन पॉइंट्स को मैं यहां लिख रही हूं ओ ए ए वन बी, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किसको शो करेगा, ये पूरा पोर्शन जो है वो कुल आय को दर्शाता है, टोटल रेवेन्यू जो है वो इसके बराबर होगा जो कि इस एम आर वक्र के नीचे का पोर्शन है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। और इस बाजार में औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र एकाधिकार की तुलना में ज्यादा लोचदार होंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, वस्तुएं प्रतिस्थापन है एक दूसरे की, तो जैसे ही फर्म अपनी कीमत को बढ़ाएगी तो जो खरीदार है मींस क्रेता है वो उस पर्सन से मींस उस फर्म से उस विक्रेता से वस्तु को खरीदेगा जिसकी कीमत कम होगी। तो इस वजह से ये जो औसत आय वक्र है वो एकाधिकार की तुलना में ज्यादा लोचदार होंगे।
इसके साथ ही आप विद्यार्थियों ने क्या ध्यान रखना है कि जो औसत आय वक्र होता है वही डिमांड कर्व भी होता है। जो फर्म का औसत आय वक्र होता है वही उसकी वस्तु के लिए डिमांड कर्व भी कहलाता है, क्योंकि जो डिमांड कर्व है वो पी और क्यू इन दोनों में ही रिलेशन शो करता है। और डिमांड कर्व बनाते समय हम ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है यहाँ पर, और यहाँ हमने अगर पी शो करते हैं तो वो मांग वक्र बन जाता है, और यहाँ पर हमने अगर रेवेन्यू लिख दिया तो इसको हमने ए आर नाम दे दिया। तो ए आर वक्र डिमांड कर्व भी होता है, औसत आय वक्र को मांग वक्र भी कहा जाता है। और जो औसत आय है उसको पी क्यू बोलते हैं, क्योंकि यदि हम टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला देखते हैं जो कि मैंने आपको करवाया पी इंटू क्यू, तो औसत आय यहाँ पर फॉर्मूला इसका क्या होगा, औसत आय का फॉर्मूला वो होता है टी आर बटे में क्यू। तो यदि मैं यहां पर इस टी आर की ये वैल्यू जो लिखी हुई है इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देती हूँ, रख देती हूँ, तो ये क्या बन गया पी इंटू क्यू बटे में क्यू, तो ये कट हो गया। तो ए आर किसके बराबर आ गया, ए आर इक्वल टू पी। अभी तक आज के व्याख्यान में हमने आगम क्या है, उसकी विभिन्न अवधारणाएं, उनके फॉर्मूलाज और डायग्राम कैसे बनाए जा सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया, साथ ही विभिन्न बाजारों में इन आगम वक्रों की शेप क्या होती है और शेप के पीछे क्या कारण है, इन अवधारणाओं में आपस में जो संबंध है उसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। तो उसी आधार पर प्रिय विद्यार्थियों अब आप अपना गृह कार्य नोट कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों आपने अपने गृह कार्य में करना है, सबसे पहला प्रश्न है आगम से क्या अभिप्राय है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपने इनकी परिभाषा और उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सीमांत आगम ऋणात्मक हो सकती है, व्याख्या करें। और थर्ड है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर तथा एम आर वक्रों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाएं। तो ये तीन प्रश्न आपको अपने गृह कार्य के तौर पर करने हैं। मुझे आशा है कि आज का विषय और उसके अंतर्गत सभी उपविषय आपको समझ में आए होंगे और यह अवधारणा को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके गृह कार्य को पूर्ण करने में भी आपकी सहायता करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रजनी आप सबसे अब विदा लेती हूँ। धन्यवाद।